गुरु जी के सपने को, विशु चाचा के सपने को, बसंत जी के चाचा जी के सपने को, तो मुझे लगता है अभी हमारा आने वाला जो चुनाव है, एक चुनाव तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन ये चुनाव में आप लोगों की जो भूमिका रहती है वो सर्वोपरि रहती है कि आप ही जनता है, आप ही हमारे मालिक है, आप ही हमारे भगवान है। तो मैं ये जरूर, हमारी योजनाएं आ रही हैं, अभी 200 के भी यूनिट फ्री बिजली का भी योजना आ रही है हमारी महिलाओं के लिए, 25 साल से लेकर के 50 साल की जो महिलाएं हमारी छूट गई थी, उन लोगों को भी हम प्रोत्साहन राशि देने का काम करने जा रहे हैं। याद नहीं रखना है, हर दिन याद रखिएगा कि झारखंड का नाम गर्व से कैसे हम ले सके, उनके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है, तो वो खून बहाए हुए आज के इस दिन को हमेशा याद रखिए। एक मैं आप सभी को, यहाँ जितने जन आए हैं, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिवस जो है, 44 साल पहले ये घटना घटित हुई है, उसको बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से आज का ये दिन मनाया जाता है। और जिन व्यक्ति का हमारे झारखंड निर्माण में, झारखंड के आंदोलन में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका रही है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय बसंत पाठक जी का, ये वो शख्सियत है जिनको मोहताज नहीं है कि उनके बारे में जितनी बड़ी बातें की जाए वो कम पड़ेंगी। ये वो व्यक्ति है, अगर आज हमारे साथ में होते तो हमारा झारखंड का जो सपना, सोना झारखंड का जो सपना आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने देखा था, उनके साथ में अगुवा साथी हमारे बसंत पाठक जी, जो अभी हमारे चाचा होते, उन्होंने जो देखा था वो कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अधूरा क्यों लगता है? आज जो आप झारखंड देख रहे हैं, ये झारखंड के निर्माण के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, इतने लोगों की शहादत हुई, बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं पता रहता है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज्यादा भावुक पल इसलिए है कि चुनाव प्रचार के समय में जब मैं यहाँ पहली बार आई, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे अपने राजनीतिक जीवन में जब इनके नाम का के बारे में पता चला, तो बहुत लोगों ने बताया कि एक ऐसे अगुवा साथी थे जिसकी बात को हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी भी पूरे मान सम्मान के साथ आगे रखते थे। और ये वो साथी है जो कहीं ना कहीं आज हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को भी अंदर में तकलीफ लगती है कि आज हम तो हैं, हमारा झारखंड भी बन गया, लेकिन हमारे अगुवा साथी जिन्होंने अपना घर का चिंता नहीं किया, अपना परिवार का चिंता नहीं किया, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ चढ़ करके बढ़ाया। एक ब्राह्मण समाज ने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, ये काबिले तारीफ है। और इस आंदोलन में हमारे ब्राह्मण समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, हमारे पिछड़ा दलित समाज, सबकी भूमिका रही। और कहीं ना कहीं ये बोलना मेरे लिए बहुत भावुक हो जाएगा कि ये वही धरती है आज जिसका प्रतिनिधित्व करने का मौका आप लोगों ने मेरे ऊपर में दिया है। मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ
और इनका परिवार बसंत चाचा जी का बोलेंगे, उनके बड़े भाई विशु चाचा जी भी मुझे अभी बताया उन्होंने, सोनू भैया ने, कि हमारे जब गुरुजी अगर वो किसी कार्यक्रम में आते थे उनके बड़े भाई, तो वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करते थे, बड़े भाई के स्वरूप में उनका स्वागत करते थे। और कहीं ना कहीं ये परिवार ने जो खोया है, ये बहुत दुख तकलीफ देने वाला है कि आज ऐसे लोग जो झारखंड को आगे ले जाने का काम कर सकते थे, उनकी शहादत का आज ये दिन बहुत दुखद तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी जो सपना गुरुजी ने देखा है, जो सपना बसंत चाचा जी ने देखा है, जो सपना विशु चाचा जी ने देखा है, ये आप सब लोगों को आगे बढ़ करके मिल करके इसको मजबूती देना है। और आज जिस तरीके से अत्याचार जैसे पहले भी होते हुआ आया है, आंदोलनकारियों को कोई मोहब्बत की नजर से नहीं देखता था, घृणा की नजर से देखता था कि कहां से सपना ये इन लोगों में आया है जो एक अलग राज्य, झारखंड का अलग राज्य मानने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। लेकिन देखिए, जब एक अलग अस्मिता की बात आती है, झारखंड की अस्मिता की बात आती है, तो हमारे झारखंड के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है और झारखंडी होने का गौरव भी आज हम जब ले रहे हैं, तो आप सब लोगों के कहीं ना कहीं तकलीफ आप लोगों ने भी, आपके परिवारों ने भी गुजरा होगा, उसको ले करके हम लोगों ने भी तकलीफ करके आज यहाँ पर में हम मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन सपना अभी अधूरा है। अगर आपको इस सपने को पूरा करना है, करवाना है, गुरुजी के सपने को, विशु चाचा के सपने को, बसंत जी के चाचा जी के सपने को, तो मुझे लगता है अभी हमारा आने वाला जो चुनाव है, एक चुनाव तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन ये चुनाव में आप लोगों की जो भूमिका रहती है वो सर्वोपरि रहती है, कि आप ही जनता है, आप ही हमारे मालिक है, आप ही हमारे भगवान है। तो मैं ये जरूर चाहूंगी, जिस तरीके का इन लोगों ने दुस्साहस किया है, बीजेपी वालों ने हेमंत जी को जेल के अंदर डालने का और ये दिखाने का कि एक आदिवासी नेता इन लोगों को पसंद नहीं आता, एक आदिवासी मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं सोचता है, ये सब समाज के हर एक वर्ग को लेकर के आगे चल रहा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हो, पेंशन से जोड़ने का काम किया है, राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया है, अब वो आवास से जोड़ने का काम किया है, बच्चों की पढ़ाई कैसे बेहतरी हो उसको मजबूत करने का काम किया है। तो अगर इस कम क्षण में भी, इन चार वर्षों में भी, अगर हेमंत बेटा, हेमंत दादा आपका इस तरीके से काम कर रहा था, तो मुझे अब आपके सहयोग की इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो इन लोगों ने दुस्साहस दिखाया है, इस दुस्साहस का जवाब हमको विधानसभा के चुनाव में देना होगा। और इस चुनाव में इसलिए देना होगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर सारे समाज को जोड़ करके, हर एक वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकता है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, आपके राशन पेंशन में हो, इस बेटा को और मजबूत कराना है। और इस बेटा को मजबूती अगर दिलाना है तो हमारी खास करके दीदी बहने हैं जो यहाँ पे भारी संख्या में आई हैं, मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरीके का प्यार सम्मान मुझे दिया है, गांडे में पहली एक महिला विधायक को आपने चुना है, मैं चाहूंगी कि मेरी सारी बहनें दीदी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। और आप इसका संकल्प लीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त हमारे हाथ में नहीं है, ये झारखंड हमेशा तिरस्कृत हुआ रहा है। अगर यहाँ पे भाजपा की भी सरकार रहती थी, उन्होंने झारखंड में कभी विकास का काम नहीं किया, और हेमंत जी जब से यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री बने, आप लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री बने, उनका बढ़ते हुए योजनाएं जो धरातल में ला रहे थे, वो सारे वर्गों को इसके लिए ला रहे थे और सब लोगों को उससे फायदा हो रहा था, उसके बावजूद भी
उनको रोकने का जो प्रयास किया है हमारे सारे झारखंड में गांडे के साथ साथ आपने जो प्यार दिया है, आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में आप लोगों को करारा जवाब देना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? और दोनों हाथ उठा के खाली दिखा दीजिए कि आप लोग तैयार हैं। क्योंकि देखिए, ये हमारे झारखंड का विकास अगर करना है तो आप लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ना होगा। ये वही पार्टी है जिसने 80 के दशक में भी गुरुजी, हमारे बसंत चाचा जी, विशु चाचा जी के अगुआ साथी सारे लोगों ने मिलकर के उस समय जब झारखंड राज्य अलग करवाया था तो आप लोगों के द्वारा ही अलग करवाया था। और अगर आगे विकास अगर आपको चाहना है तो अगर आप विकास की उम्मीद रखते हैं तो हेमंत सोरेन जी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, आज झारखंड सरकार को आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा। हमारी योजनाएं आ रही हैं, अभी 200 के भी यूनिट फ्री बिजली का भी योजना आ रही है। हमारी महिलाओं के लिए 25 साल से लेकर के 50 साल की जो महिलाएं हमारी छूट गई थी, उन लोगों को भी हम प्रोत्साहन राशि देने का काम करने जा रहे हैं। और ये इसलिए देने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाएं, बहनें, बेटे, बेटियां जितनी हैं वो मजबूत हो सके। और हमारे भाइयों ने बहुत मजबूती के साथ में इस कड़ी धूप में भी हमारे चुनाव में प्रोत्साहन दिया था, हमको सहयोग किया था। और आप लोगों का मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये जो आंदोलनकारी खून हमारी इस धरती पे यहाँ बहा है, इसको आगे हम लोगों को मजबूती के साथ इसलिए खड़ा रखना है। अगर यहाँ पर मैं झामुमो रहेगा तभी विकास हो पाएगा। आपने सिर्फ ये 2 साल के अंतराल में जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, सिर्फ ये 2 साल के अंतराल में कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले का 2 साल हमारा कोरोना में बीता है। और कोरोना के समय में आपके हेमंत दादा ने जिस तरीके से अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सारे लोगों को जोड़ने का, उनकी भूख से न मृत्यु हो उसके ऊपर कार्यक्रम किया था। हमारे मजदूर बाहर से आए उनके लिए झारखंड में आने का रास्ता बनाया। कौन सोचता है अपने राज्य के मजदूरों के बारे में, आप बताइए। राज्य के मजदूर के बारे में जब कोई सोचने वाला, ये पहला राज्य है जहां पहली ट्रेन भी चली थी तो यहाँ के लिए चली थी, ये सोचने वाले आपके हेमंत दादा, हेमंत सोरेन है। और आज देखिए किस तरीके का षड्यंत्र करके उनको जेल के अंदर में डाल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने मजबूती के साथ सहयोग किया है, इसको आगे बरकरार रखना है। और विधानसभा चुनाव के समय में भी हम सबको मिलजुल करके जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य का निर्माण हमारे गुरुजी के साथ हमारे अगुआ साथी बसंत पाठक चाचा जी ने भी किया था, मुझे लगता है इस दिवस को एक दिन में याद नहीं रखना है, हर दिन याद रखिएगा कि झारखंड का नाम गर्व से कैसे हम ले सके। उनके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है तो वो खून बहाए हुए आज के इस दिन को हमेशा याद रखिए। एक दिन का शहादत दिवस होता है लेकिन झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को सबको मिलजुल करके, हम सबको मिलजुल करके, चाहे हम किसी भी जाति समाज किसी से भी ताल्लुक रखते हो, हम लोगों को मिल करके आगे बढ़ना है। और बस अपनी बातों को इतना संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी कि जहां को होड़ को है ना को उना पहल लेकर जहां अब वो आंदोलन लेता गुरुजी आयुर्ते ओना गुरुजी आयुर्ते बसंत पाठक चाचा थे ओना ते नुआ 84 साल हुई ना नुआ तहन रिया दिन रिया दिवस रिया नुआ शहादत हुई लेना है ओना शहादत दो भली भांति दिशाओं कते जहां लेकर नुआ झारखंड दिशाओं बिनाओ लगी नुआ झारखंड नितुम हथाओ लगी को अब दो कमी लेदा बोन ओना चलते थे अब नितो हो आपे तो पढ़ाया गया आपे रेन बेटा आपे रेन दादा जेल भित्री रहना ही गया है। अब बीजेपी होड़ को उनका गे जहां सनाम जाति होड़ लगी कमी काम ताहेन उन्हीं हो जेल भित्री रे आदर के दाए। लेकिन नोआ विधानसभा चुनाव हो हिजुक कना और नोआ विधानसभा चुनाव रे चे लेका बोना वो तो मीट जगह रे घूंटते मीट लेका के ताहेन ओपन लगी नोआ दिवस उना तो मोने देशा में अनसनाम को इनसेन को नड़ी अड़ी गुण मनाओ जहाँ जहाँ को चुनाव रे नापे दाड़े ते गे आपे आशीर्वाद ते गे आपे आदुलड़ते गे इन ये तो विधायक बिना ले लिंग
ओना चलते दिन सनाम को गे गोगो को बाबा को माझी बाबा को जुग पराणिक को नायके गोड़े सनाम को गे आ चांदो बारे बरी गो बाबा को बोया मेसी को सनाम को गे इनसेन को अड़ी अड़ी गुन मनाओ जोहार अड़ी अड़ी सराहवे पिया। आज मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ और सलाम करती हूँ। इस क्रांति को बुझने नहीं देना है, वक्त हमारे पास बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करना है। और आप लोगों का साथ अगर रहेगा मिल करके हम लोग एक सोना झारखंड का जो तस्वीर हमारे गुरुजी देशम गुरु शिबू सोरेन जी ने देखा था, बसंत पाठक चाचा जी ने देखा था, विशु पाठक चाचा जी ने देखा था, मैं सभी का ये जो सपना है हम लोगों को मिल करके आगे बढ़ना है और इसमें मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हम भी हमेशा आपके साथ में हैं, आपके दुख तकलीफ में हमेशा आपके साथ में हैं। अपनी इन बातों को मैं रखते हुए आप सभी से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ, सलाम करती हूँ।